असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इकराम दिस इज़ दी ट्वेंटी फिफ्थ लेक्चर इन सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इनशाला आप अच्छे होंगे जैसे कि आपको मालूम है आजकल हम सिक्वेंशल सर्किट्स पर बात कर रहे हैं सिक्वेंशल सर्किट्स में भी लैचेज एंड फ्लिप फॉप से बात हो रही है फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस जो हैं फंडामेंटल एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस तरह हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स में बात की थी जो गेट्स थे वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनको जोड़ के आप एक बड़ा कॉम्बिनेशन सर्किट बना सकते हैं जिस तरह सिक्वेंशल सर्किट में जो बेसिक कॉम्पोनेंट है वो फ्लिप फ्लॉप या लैच है इनको आपस में जोड़ के हम बड़े सिक्वेंशल सर्किट्स बना सकते हैं आज इनशाला डिस्कशन जो है सिक्वेंशल सर्किट्स पर कंटिन्यू रहेगी इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन शुरू करें आइए देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन अपनी शुरू की थी डी फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशंस हमने देखी थी एक पहली जो एप्लीकेशन थी बेसिकली डाटा स्टोरेज डाटा स्टोरेज में हमने बताया था कि हम डी लैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर डी लैच में जो प्रॉब्लम था कि उसका जो इनेबल इनपुट जब तक वो ऑन रहेगा या एक्टिव रहेगा डी इनपुट पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो चेंज होती रहेगी अगर तो क्यों आउटपुट पर भी वो चेंज होता रहेगा उसमें तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप अगर यूज़ करें तो वो बड़े एक प्रिसाइज़ टाइम इंटरवल पे जो भी इंफॉर्मेशन इन पर इनपुट पर होगी वो लैच हो जाएगी इस तरह हमने एक और एप्लीकेशन देखी थी डी लैच की जिसमें हम ये कह रहे थे कि ए एल यू जो है उसके साथ स्टोरेज एलिमेंट्स चाहिए तो स्टोरेज एलिमेंट्स आप डी फ्लिप फ्लॉप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली मल्टीपल डी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे जिन सा जिन की सारों की जो क्लॉक इनपुट है वो आपस में टाइट uh, टुगेदर है या कनेक्टेड टुगेदर है सो दैट मींस कि अगर एक एट बिट इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करनी है तो आपको एट डी फ्लॉप्स चाहिए ये जो एट डी फ्लिपसॉप का मजमू है या चार डी uh, फ्लॉप्स का मजमू है इसको हम कहते हैं रजिस्टर फोर बिट रजिस्टर या एट बिट रजिस्टर तो एल यू जो है वो इट सेल्फ जो है कॉम्बिनेशन सर्किट है पर उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ये फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत है वो साथ में कनेक्ट करने पड़ेंगे हमने ये देखा था कि आपके पास अगर ये रजिस्टर्स हैं तो आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसमें एक जो और हमने एप्लीकेशन डी फ्लिप फ्लॉप की देखी थी वो ये थी कि ए सिंकोनस इनपुट्स जो हैं उनको सिंक्रोनाइज कैसे करना है बेसिकली जो आपका फ्लिप फ्लॉप सर्किट है या जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो क्लॉक की मदद से चल रहा है तो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो क्लॉक जो है उसको सिंक्रोनाइज कर रही है एक्सटर्नल जब इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप किसी वक्त भी आप अप्लाई कर सकते हैं सो so, वो जो आउटपुट आएगा वो जरूरी नहीं कि क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो तो उसको कैसे सेंकुनाइज़ करेंगे बेसिकली हमने एक सर्किट देखा था जिसमें एक डी फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मदद से हम जो एक्सटर्नल इनपुट है उसको सेंकुनाइज़ करके जो आगे हमारा डिजिटल सर्किट है उसमें फीड कर रहे हैं इसके बाद हमने बात की थी जे के फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमने बताया था कि सिमिलर टू एस आर फ्लिप फ्लॉप एस आर फ्लिप फ्लॉप में एक जो स्टेट थी अगर वन वन हो एस वन हो आर वन हो तो जो आउटपुट है उसको हम कहते हैं इनवैलिड है क्योंकि दोनों आउटपुट जो हैं क्यू क्यू बार जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं तो हम ये कह रहे थे कि एस और आर जो है अगर वन हो ये हम स्टेट अप्लाई नहीं करेंगे जे के फ्लॉप में जो है एस जो है उसको हम रिप्रजेंट कर रहे हैं जे से और आर जो है उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं हम के से सो so, अगर J1 हो K1 हो तो आउटपुट जो है वो हमेशा टॉगल हो जाएगा अगर Q1 है ज़ीरो हो जाएगा अगर Q0 है वो वन हो जाएगा सो जे के फ्लॉप में कोई इनवैलिड स्टेट नहीं है सो so, ये जो फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लॉप ये बहुत कॉमनली यूज होता है सिक्वेंशल सर्किट्स में बजाय कि आप फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करें अब जे के फ्लॉप को यूज़ करें नेक्स्ट हमने जे के फ्लॉप की एप्लीकेशंस डिस्कस uh, की थी एक जो एप्लीकेशन थी कि आप के पास सीक्वेंस अलग से टू इनपुट्स हैं उनमें से आप ये कह रहे हैं कि जो डिजिटल सर्किट है वो काम करे अगर ए इनपुट पहले आए बी इनपुट बाद में आए अगर बी इनपुट पहले आ जाती है ए इनपुट बाद में आती है फिर आपका डिजिटल सर्किट काम नहीं करे सो सीक्वेंस को डिटर्मिन करने के लिए आप जे के फ्लिपॉप यूज़ कर सकते हैं सर्किट हमने स्टडी किया था जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जे के फ्लिपॉप की वो है एज़ ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यानी एज ए शिफ्ट रजिस्टर और एंड एज ए काउंटर तो ये तीन मेन एप्लीकेशन हैं जे के फ्लॉप की फ्रीक्वेंसी डिवाइडर हमने बात की थी कि जो भी क्लॉक इनपुट आप अप्लाई करेंगे उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो so, अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में कन्फिगर कर दें टॉगल मोड ये है कि जे को वन पे परमानेंटली कनेक्ट कर दें और के इनपुट को भी वन पे परमानेंटली कनेक्ट कर दें सो so, जब भी आपके क्लॉक इनपुट आएगी जब भी ट्रांजेक्शन हो रही है हाई टू लो या लो टू हाई जे के फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो जीरो से वन हो जाएगा या वन से ज़ीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स अगर आप जे के फ्लॉप के आउटपुट पे अगर आप जो है आ, उसका टाइमिंग डायग्राम देखें तो उसमें भी आपको एक क्लॉक मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ़ है इनपुट क्लॉक की फ्रीक्वेंसी से इसी तरह अगर आप दो जे के फ्लॉप आपस में कनेक्ट कर दें तो आपको मजीद डिवाइड बाई टू फ्रीकवेंसी मिल जाएगी आउटपुट पर जे के फ्लॉप को आप यूज़ कर सकते हैं एज़ ए शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर हमने बताया था कि चार पाँच या जितने भी हैं जे के फिफ फ्लॉप आपस में कनेक्ट करेंगे एक एंड से आप डाटा फीड करेंगे तो वो जो शिफ्ट रजिस्टर है उस इंफॉर्मेशन को या तो लेफ़्ट शिफ्ट कर देगा या राइट right शिफ्ट कर देगा अगेन हमने सर्किट देखा था एक डाटा इनपुट था जो पहले फ्लॉप के साथ कनेक्टेड था उधर से हम डाटा फीड करते हैं और जो चार बेड शिफ्ट रजिस्टर था उस सारी इंफॉर्मेशन को राइट right शिफ्ट कर रहा है सो फोर क्लॉक पल्स में फोर बेड्स शिफ्ट हो रहा है आखिर में हमने बात की थी कि आप फ्लिप फ्लॉप से आप एक काउंटर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसकी हमने डिटेल तो नहीं देखी थी सर्किट पर नहीं देखा था हमने ये कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का सर्किट है उससे मिलता जुलता काउंटर का सर्किट है उम्मीद है कि आपने हैंड ऑट्स में जो डायग्राम बना हुआ वो देखा होगा जो बुक में इंफॉर्मेशन है वो पड़ी होगी और समझ भी आ गया होगा अगर समझ नहीं आया तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं आइंदा आगे अगले वाले लेक्चर में हम काउंटर्स पर डिटेल में बात करेंगे आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं ए सिंकॉनस एनपुट से अभी तक जो बात हो रही थी हम ये कह रहे थे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप ले लें ले, या डी फ्लिप फ्लॉप ले लें या जे के फ्लिप फ्लॉप ले लें इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से आउटपुट पे चेंज आएगा अब ये चेंज कब आता है जब भी क्लॉक ट्रांजेक्शन होती है सब क्लॉक अगर लो से हाई हो या हाई से लो हो तब जे के फ्लॉप के इनपुट पे या एस आर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे या डी फ्लॉप के इनपुट पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट पे वो चेंज आएगा अगर क्लॉक नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा जो पिछली इन्फॉर्मेशन है फ्लिप फ्लॉप पर वो मेंटेन रहेगी अब आ, आप अगर सोचें कि आपका कोई एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसमें आप फ्लिप्लॉप लगाए हुए हैं या काउंटर एक बनाया हुआ आपने अब क्राउन काउंटर को आप रीसेट करना चाह रहे हैं जीरो ज़ीरो 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 पर आप रिज्यूम करेंगे चार बेड का काउंटर है तो ज़ीरो 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 पर कैसे रीसेट करेंगे या तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि आप क्लॉक इनपुट अप्लाई करते रहें वो आस्ता आस्ता इंक्रीमेंट करता जाएगा और अल्टीमेटली वो ज़ीरो पे पहुंच जाएगा सो so, आपका काउंटर रीसेट हो गया आप उधर से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं अब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेट्स से चार बेड का काउंटर है और आपका जो काउंटर है स्टेट uh, टू पे सेट हुआ हुआ जीरो ज़ीरो वन जीरो पर तब उसको जीरो पे सेट करने के लिए आपको बहुत सारी क्लॉक पल्स अप्लाई करने पड़ेंगी अल्टीमेटली वो रीसेट हो जाएगा इसका आसान तरीका ये है कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे फ्लिप फ्लॉप जो है स्ट्रेट अवे रीसेट या ज़ीरो जीरो ज़ीरो स्टेट पे आ जाए वो कैसे होगा बेसिकली हम ए सिंकॉनस इनपुट्स को यूज़ करेंगे अब ए सिंकॉनस इनपुट्स है क्यों है, है क्या चीज़ और इसको ए सिंकॉनस इनपुट क्यों कहते हैं जो जे और के इनपुट्स हैं उनको सिंकोनस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जो इनपुट है वो डिपेंड कर रहा है क्लॉक पे क्लॉक होगी तो इनपुट काम करेंगे क्लॉक नहीं होगी तो इनपुट काम नहीं करेंगे ए सिंगनस इनपुट्स में क्लॉक पे डिपेंडेंसी नहीं है ए सिंकोनस इनपुट्स पे जो भी आप इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो इमीडिएटली आउटपुट पे उसका चेंज हो जाएगा उसका इफेक्ट होगा नजर आएगा क्लॉक पे डिपेंड नहीं कर रही सो आप so ये कह सकते हैं कि जो ए सिंकोनस इनपुट्स हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो सिंकोनस इनपुट से ज़्यादा है ए सिंग इनपुट्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं एक जो है प्री सेट इनपुट कहेंगे दूसरा जो है क्लियर इनपुट है नॉर्मली ये एक्टिव लो होते हैं अब प्री प्री सेट इनपुट पर अगर हम ज़ीरो अप्लाई करें तो फ्लिप uh, फ्लॉप के आउटपुट पर क्या होगा उसको सेट कर देगा दैट मीन्स क्यू जो है वन पे चला जाएगा इसी तरह अगर क्लियर इनपुट पे हम जीरो अप्लाई करें क्योंकि एक्टिव लो इनपुट है ना तो अगर हम जीरो अप्लाई करें तो क्यू आउटपुट पे क्या होगा वो स्टेट जीरो पे चला जाएगा क्लियर हो रहा है या रीसेट हो रहा है अब जैसे हमने बताया कि प्री सेट इनपुट पर या क्लियर इनपुट पर जो भी इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो डिपेंड नहीं कर रही क्लॉक पर सो so, अब जब भी अप्रोपियर इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे या तो आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा या रीसेट हो जाएगा आइए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि ये जो इंस इन्स इनपुट हैं ये काम कैसे करते हैं इसमें अगेन सर्किट डायग्राम जब आप देखेंगे तो ये आ, मिलता जुलता है जो जे के फ्लिप फ्लॉप हमने पहले पढ़ा उससे इसमें जो हमने चेंज एक किया है जो प्री सेट इनपुट है वो एक ऐड किया है और क्लियर इनपुट वो हमने ऐड किया हुआ है और इन दोनों जो सिग्नल्स हैं ये वापस फीडबैक भी हो रहे हैं जो पहले वाले गेट्स हैं जहाँ जे और के इनपुट्स अटैच्ड हैं सो आइए ज़रा सर्किट डायग्राम देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं आइए पहले हम देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप विद ए सिकोन प्री सेट एंड क्लियर इनपुट्स जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है आ, बेसिकली ये सर्किट डायग्राम है जे के फ्लिप फ्लॉप का नाइन गेट थ्री एंड फोर पे जे इनपुट और के इनपुट और क्लॉक इनपुट है ऑफ कोर्स ये क्लॉक इनपुट जो है एज ट्रिगर्ड है जो इन्फॉमेसन एज डिटेक्शन सर्किट की इन्फॉमेसन इधर नहीं दिखाई गई इसी तरह आउटपुट पे आपको नाइन गेट वन नज़र आ रहा है और नाइन गेट टू नज़र आ रहा है उनके आउटपुट पे क्यू और क्यू बार आउटपुट दिखाया गया है दो ए इनपुट सिग्नल ऐड किए हुए हैं प्री सेट विद ए बार जो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्टिव लो सिग्नल है इसी तरह क्लियर विद ए बार ये इंडिकेट कर रहा है ये भी एक्टिव लो सिग्नल है सो प्री सेट सिग्नल को नाइन गेट वन के इनपुट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसको नाइन गेट फोर के इनपुट के साथ भी कनेक्ट किया गया इसी तरह जो क्लियर इनपुट है उसको नाइन गेट टू के इनपुट के साथ कनेक्ट किया गया और साथ में नाइन गेट थ्री के साथ कनेक्ट किया गया आइए देखते हैं ये सर्किट काम कैसे करता है अब रिज्यूम करें कि जे जो है उसको हमने वन पे सेट किया और के को ज़ीरो पर सेट किया इसी तरह क्यू को वन पे सेट किया हुआ है क्यू बार को ज़ीरो पर सेट किया हुआ है अब वन जे है और के भी वन है जो ही क्लॉक आएगा तो क्यू को वन हो जाना चाहिए क्यू बार को ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि जे वन के ज़ीरो मीन्स ये सेट कर रहा है इसी तरह अगर क्यू ज़ीरो हो क्यू वन आ, बार क्यू बार जो है वो वन हो J1 हो K0 हो जब भी क्लॉक पल्स आएगा तो आ, जो आउटपुट है वो वन पे सेट हो जाना चाहिए Q जो है वो वन पे चला जाएगा अब अगर आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं सो so, क्लियर करने के लिए प्री सेट इनपुट पर आप लॉजिक वन अप्लाई करेंगे और क्लियर इनपुट पे आप लॉजिक ज़ीरो अप्लाई करेंगे जो ही आप लॉजिक ज़ीरो क्लियर इनपुट पे अप्लाई करेंगे आपका जो नैंड गेट टू है उसका आउटपुट जो है क्यू बार वो हो जाएगा वन और अगर NAND गेट वन को देखें उसके एक इनपुट पे जो प्री सेट इनपुट से आ रहा है वो तो वन है अब जे और के को अगर देखें क्लियर क्योंकि आपने ज़ीरो लॉजिक अप्लाई किया है जिसकी वजह से NAND गेट थ्री का जो आउटपुट है वो वन हो जाएगा NAND गेट थ्री का आउटपुट वन है NAND गेट फोर का आउटपुट क्या है उसके सारे जो इनपुट्स हैं वो वन है एक्सेप्ट फॉर के जो ज़ीरो है तो इसका आउटपुट जो है वो हो जाएगा वन नैन गेट फोर का जो आउटपुट वन है उससे नैन गेट टू के क्यू बार आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि नैन गेट टू का जो क्लियर इनपुट है वो जीरो है सो so, इसका जो आउटपुट है क्यू बार वो वन रहेगा अब अगर आप नैन गेट वन को देखें उसका जो एक इनपुट है जो प्री सेट के साथ है वो वन है नाइन गेट थ्री का आउटपुट जो है वो भी वन है और जो क्यू बार से आउटपुट आ रहा है वो भी वन है सो नैंड गेट का आउटपुट जो है क्यूब वो ज़ीरो हो जाएगा सो so, क्लियर को ज़ीरो करने से जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो रहा है क्यू जो है ज़ीरो पे जा रहा है इसी तरह अगर आप इसको प्री सेट करना चाह रहे हैं आप रिज्यूम करें कि क्यू आउटपुट जो है ज़ीरो है क्यू बार आउटपुट जो है वो वन है अब आप इसको सेट करना चाह रहे हैं दैट मीन्स क्यू को वन करना चाह रहे हैं और क्यू बार को जीरो करना चाह रहे हैं जे के पे कुछ भी हो अगर प्री सेट को आप ज़ीरो कर दें सो स्ट्रेट अवे नैन गेट वन का जो आउटपुट है वो वन हो जाएगा क्योंकि प्री सेट डायरेक्टली कनेक्टेड है नैन गेट वन के इनपुट के साथ अब अगर आप नैन गेट टू को देखें इसका क्लियर इनपुट तो वन है दूसरा जो क्यू से इनपुट कनेक्टेड है वो भी वन हो गया हुआ और जो नाइन गेट फोर का जो आउटपुट है वो भी वन है क्योंकि अगर आप इसको देखें इनिशियली जो प्री सेट पिन है वो कनेक्टेड है नाइन गेट फोर के इनपुट के साथ प्री सेट क्योंकि आपने ज़ीरो किया सो नाइन गेट का आउटपुट जो है वो वन हो गया सो so, अगर तीनों वन हो नाइन गेट के इनपुट पे नाइन गेट टू के इनपुट पे तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा सो so, अगर प्री सेट सिग्नल को आप लॉजिक जीरो करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप का जो क्यू आउटपुट है वो सेट हो रहा है वन पे अब जैसे हमने देखा प्रीसेट को आप एक्टिवेट करें या क्लियर इनपुट को एक्टिवेट करें क्लॉक की जरूरत नहीं है जब भी आप ये अप्रोप्रिएट इनपुट्स अप्लाई करेंगे प्रीसेट पे या क्लियर पे जो जे के फ्लॉप का आउटपुट है वो सेट या रीसेट हो जाएगा अभी हमने देखा तो एस इंकॉनर्स इनपुट्स प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स ए सिोनस इनपुट्स जो हैं वो उनकी प्रायोरिटी है सिकोनस इनपुट्स पे और ये डिपेंड जो है क्लॉक पे भी नहीं करते सिकोनस इनपुट्स जो हैं वो क्लॉक पे डिपेंड कर रहे हैं ये क्लॉक uh, पे डिपेंड नहीं कर रहे अब इन दोनों की मदद से प्रीसेट इनपुट और जो क्लियर इनपुट है हम जो है जे के फ्लिप फ्लॉप को सेट या क्लियर कर सकते हैं ये इन ए संकोनस जो इनपुट्स uh, हैं ये डी फ्लिप फ्लॉप पर भी अवेलेबल हैं और जे के फ्लिप फ्लॉप पर भी अवेलेबल हैं अब हम देखते हैं इसका लॉजिक सिंबल जो जे के फ्लिप शॉप है जिसके साथ ए सिंकोनस इनपुट्स हैं वो हम लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी चीज़ हमने देखनी इसका जो फंक्शन टेबल है या ट्रुथ टेबल है ये काम कैसे करता है उसमें अगर प्री सेट जीरो हो क्लियर ज़ीरो हो फिर क्या करेगा अगर प्री सेट वन है क्लियर ज़ीरो है फिर क्या करेगा और तीसरी चीज़ हम देखते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम टाइमिंग डायग्राम में हम ये देखेंगे कि अगर एक जे के फ्लॉप नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा है दैट मीनस सिंक्रोनस इनपुट्स पे आपने कुछ डाटा अप्लाई किया हुआ क्लॉक सिग्नल्स आ रहे हैं अगर उस उधर आप प्रीसेट इनपुट्स को एक्टिवेट कर दें प्रीसेट और क्लियर इनपुट को तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा सो so, आइए इन तीनों चीज़ों को ज़रा देखते हैं आइए देखते हैं लॉजिक सिंपल जो है जे के फ्लिप फ्लॉप का विद ए सिकॉनस इनपुट लेकिन जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है इसका सिम्पल जो है जे के फ्लिप फ्लॉप से काफ़ी मिलता जुलता है इसमें दो हमने इनपुट्स ऐड किए हैं प्री सेट जो एक्टिव लो शो किया हुआ है बबल के साथ इसी तरह क्लियर इनपुट जो एक्टिव लो शो किया हुआ है बबल के साथ सिर्फ so, यही चेंज है सो नॉर्मल जेके फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप जिसमें ए सिंकोनस इनपुट्स हैं उनमें सिर्फ यही चेंज है प्री सेट और क्लियर इनपुट पिन्स हैं। आइए अब फंक्शन टेबल या टूथ टेबल देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का जिसके दो एंकोनस इनपुट्स हैं इनपुट पे आपको प्री सेट और क्लियर कॉलम्स नजर आ रहे हैं सो so, अगर प्री सेट जीरो हो और क्लियर जीरो हो सो so, ये जो है ये इन वैलिड स्टेट है क्योंकि प्री सेट अगर जीरो हो दैट मीन्स आपने प्री सेट को एक्टिव किया या आप जे के को सेट करना चाह रहे हैं अगर क्लियर ज़ीरो हो दैट मीन्स आपने क्लियर को एक्टिव किया आप क्लियर करना चाह रहे हैं अब ये दोनों स्टेट्स एक वक्त में पॉसिबल नहीं या आप प्री सेट करेंगे या क्लियर करेंगे सो जीरो जीरो जो है वो इन वैलिड कंसिडर किया जाता है और इसको आप अप्लाई नहीं करेंगे अब प्री सेट अगर ज़ीरो है क्लियर वन है क्योंकि प्री सेट भी एक्टिव लो है और क्लियर भी एक्टिव लो है सो so इसका मतलब है जो आउटपुट है क्यू आउटपुट वो वन हो जाएगा इसी तरह अगर प्री सेट वन है क्लियर ज़ीरो है तो अब क्या हुआ क्लियर जो है वो एक्टिव हो गया सो so, इसका मतलब है जो आउटपुट क्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा या जे के फिल रीसेट हो गया अब अगर प्री सेट वन है क्लियर वन है तो ना आप क्लियर करना चाह रहे हैं ना आप इसको सेट करना चाह रहे हैं सो so, इस मोड में आप सिंकोन्स इनपुट्स इस्तेमाल कर रहे हैं सो so, अगर आपने नॉर्मल जे के फ्लॉप को यूज़ करना है विथ सिंकस इनपुट्स तो प्री सेट को और क्लियर को वन और वन पे रखेंगे अगर प्री सेट और क्लियर इनपुट एक्टिव हाई होते तो फिर नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए प्री सेट को और क्लियर को जीरो जीरो पे रखा जाता अब देखते हैं टाइमिंग डायग्राम एक जे के फ्लिप फ्लॉप का जिसके ए संकोनस प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स हैं टी वन इंटरवल पे क्लाक लो से हाई जा रहा है ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप दिखाया गया है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है सो टी वन पे क्लॉक लो से हाई जा रहा है जे वन है के ज़ीरो है सो so, इसका मतलब है क्यू आउटपुट जो है वो सेट हो जाना चाहिए सो so, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है टी वन पे क्यू आउटपुट लो से हाई जा रहा है अब टी टू इंटरवल पे जो ए सिंकोनस इनपुट्स हैं उसका जो प्री सेट वाला इनपुट है वो एक्टिवेट हो गया जीरो हो गया क्लियर जो है वो हाई है अब इसका मतलब है जो जे के फिल फ्लॉप का आउटपुट है क्यों उसको सेट हो जाना चाहिए अब क्योंकि T1 वन इंटरवल में ऑलरेडी सेट था तो वो T2 में भी वो सेट रहेगा अब ये सेट कब तक रहेगा T3 तक रहेगा उसके बाद भी सेट है क्योंकि जो सिंकोनस जो इनपुट्स हैं वो काम करेंगे इंटरवल T1, T4 इसी तरह T5, T7 पे जब क्लॉक ट्रांजेक्शन हो रहा है सो so अगर आप T4 पे देखें क्लॉक ट्रांजेक्शन हो रहा है उस वक्त जे ज़ीरो है और के वन है सो so, इसका मतलब है क्यू आउटपुट को रीसेट हो जाना चाहिए ज़ीरो पे चला जाना चाहिए सो टी फोर इंटरवल के बाद आपको क्यू आउटपुट पे लॉजिक जीरो नज़र आ रहा है इसी तरह इंटरवल टी फाइव पर अगर आप देखें सो so, जे और K के इनपुट्स वैलिड हैं दोनों वन हैं जबकि जो ए सी इनपुट्स हैं प्री सेट और क्लियर वो काम नहीं कर रहे दोनों वन स्टेट पर हैं सो so, इसका मतलब है क्लाक क्लॉक ट्रांजेक्शन पे क्यू आउटपुट स्टेट को जीरो से वन पे चला जाना चाहिए टॉगल हो जाना चाहिए क्योंकि जे और के इनपुट्स जो हैं वो वन एंड वन हैं टी सिक्स टाइम इंटरवल पे अगर आप देखें क्लियर इनपुट जो है एसकोनस इनपुट है वो एक्टिवेट हो गया सो दैट मीन्स टी सिक्स इंटरवल पे आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए अब ये क्लॉक ट्रांजेक्शन जो हो रहा है टी सेवन से उससे पहले हुआ है जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है क्यू आउटपुट जीरो पे चला गया हुआ है तो दैट मीन्स क्लियर इनपुट की प्रायोरिटी है जे uh, और के इनपुट पे और क्लॉक इनपुट पे टी सेवन पर क्लॉक ट्रांजिशन हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लियर इनपुट अभी भी एक्टिव है और लॉजिक लो है सो so ये टी एट इंटरवल तक एक्टिव uh, है उसके बाद अगर टी नाइन इंटरवल पर देखें प्री सेट इनपुट और क्लियर इनपुट इनएक्टिव हो गए दोनों लॉजिक हाई हैं जे इनपुट ज़ीरो है के इनपुट वन है सो so इसका मतलब है क्लॉक ट्रांजिशन पे आउटपुट को ज़ीरो हो जाना चाहिए क्योंकि पहले से ये जीरो आ रहा है तो टी इंटरवल के बाद भी ज़ीरो पे ही रहेगा इंटरवल टी पे अगर आप देखें जे है के है जो ए सिकोनस इनपुट्स हैं वो एक्टिव नहीं हैं सो so, जो प्रीवियस स्टेट है क्यू उससे ये टॉगल हो जाना चाहिए टी पे आपको क्यू आउटपुट जो है वो वन नज़र आ रहा है अब टी एलेवन इंटरवल पर क्लियर अगेन एक्टिव हो गया सो so, इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट है उसको क्लियर हो जाना चाहिए सो टी इलेवन पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्यू आउटपुट जो है वो ज़ीरो पे चला गया टी uh, इलेवन और टी ट्वेल्व इंटरवल में क्लॉक ट्रांजेक्शन हो रहा है पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ए सिंकॉनस क्लियर इनपुट है वो एक्टिव है इसी तरह अगर आप टाइम इंटरवल टी थर्टीन पर देखें उस वक्त जे ज़ीरो है के वन है सो so इसको रीसेट होना चाहिए uh, और प्री सेट और क्लियर इनपुट जो हैं इनएक्टिव हैं टी फोर्टीन इंटरवल पे प्री सेट इनपुट एक्टिव हो गया सो दैट मीन्स टी थर्टीन पे जो लॉजिक लो स्टेट है उस उससे लॉजिक हाई पे चला जाना चाहिए सो टी फोर्टीन पे क्यू आउटपुट जो है वो लॉजिक हाई चला गया दैट सेट हो गया इंटरवल टी फिफ्टीन पे क्लॉक ट्रांजिशन से पहले जो क्लियर इनपुट है ए इंकोनोस इनपुट है वो एक्टिव हो गया इसका मतलब है जो क्यू आउटपुट है उसको रीसेट होना चाहिए सो टी फिफ्टीन पे आउटपुट रीसेट हो गया अब ये जो क्लियर एस इंकोनस इनपुट है ये एक्टिव रह रहा है टी सिक्सटी इंटरवल के बाद तक सो so, आपको क्यू आउटपुट पे जीरो मिल रहा है सो टी सिक्सटीन पर जो क्लॉक ट्रांजिशन हो रहा है उससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी हमने देखा एक जे के फ्लिप फ्लॉप जिसके प्री सेट इनपुट और क्लियर इनपुट हैं एस इंकोनस इनपुट्स हैं टाइमिंग डायग्राम देखा तो उससे हमें पता लगा कि अगर आप जे के पे जो भी इंफॉर्मेशन हो क्लॉक ट्रांजेक्शन भी हो रहा हो रहा हो जब भी आप प्री सेट या इनपुट को एक्टिवेट करेंगे उसका इफेक्ट इमीडिएटली आपको क्यू आउटपुट पे नजर आएगा कमर्शियली जो जे के फ्लॉप्स हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप्स हैं या डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन वो भी इन प्री सेट और क्लियर इनपुट के साथ अवेलेबल हैं सो आप उनको आप ख़रीद के यूज कर सकते हैं सर्किट्स में आगे जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है क्या बेसिकली ये जो फ्लिप फ्लॉप है अब ऑप्सिलीट हो गया अब यूज नहीं होता इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम बड़ी आसानी से जो एच ट्रिकट जे के फ्लॉप है जो अब तक अभी पढ़ते आ रहे हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बेसिकली दो जे के फ्लॉप्स को अगर आप आपस में जोड़ लें एक जो जे के फ्लॉप है उसके आउटपुट जो हैं दूसरे जे के फ्लॉप के इनपुट पर आप कनेक्ट कर दें तो ये बन जाएगा मास्टर स्लेव फ्लॉप जो पहला फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लॉप उसको मास्टर कहेंगे जो दूसरा वाला है उसको हम स्लेव कहेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्लॉक एच पे या क्लॉक ट्रांजिशन पे काम नहीं करता बेसिकली बल्कि ये जो है एक पल्स पे काम करता है सो so, अगर आप क्लॉक सिग्नल को देखें वो हाई से लो होगा फिर दोबारा हाई होगा फिर लो होगा और इस तरह हाई लो होता रहेगा अगर एक साइकुल को, को देखें आप सो so, जब वो क्लॉक हाई होता है उस वक्त मास्टर सर्किट काम करता है और जो भी इनपुट आप जे और के इनपुट्स पर अप्लाई कर रहे हैं वो जो है स्टोर हो जाएगा मास्टर जे के फ्लिप फ्लॉप सर्किट में अब जो ही क्लॉक सिग्नल हाई से लो होता है तो वो जो लो वाला पीरियड है लॉजिक लो वाला उसमें जो स्लेव सर्किट है जेके फ्लिप फ्लॉप वाला वो काम करना शुरू हो जाता है और उसमें मास्टर सर्किट है वो डिसेबल हो जाता है सो so, जब दोबारा से क्लॉक हाई होता है तो उसमें आउटपुट पे आपको एक नई वैल्यू आ जाती है और जो मास्टर uh, वाला जेके फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो लैच हो जाएगी सो so, अगर आप इसको कंपेयर करें एच फ्लिप फ्लॉप से तो एच क्रेगेट फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक ट्रांजेशन होती है उस वक्त इनपुट्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं आउटपुट पे चेंज हो जाएगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के केस में जब क्लॉक सिग्नल हाई है तो मास्टर सर्किट uh, काम कर रहा है जो भी इनपुट्स हैं वो मास्टर के आउटपुट पर स्टोर हो गए जो ही जो क्लॉक पल्स से हाई से लो हुआ जो मास्टर जे uh, के फ्लॉप के आउटपुट हैं वो इमीजिएटली स्लेव के इनपुट पे अवेलेबल हो जाते हैं और स्लेव के आउटपुट पे वो स्टोर हो जाएंगे आइए देखते हैं ये मास्टर स्लेव जो है फ्लिप फ्लॉप है इसका सर्किट कैसे है और ये काम कैसे करता है इसके टाइमिंग डायग्राम को भी देखते हैं और इसके सर्किट को भी देखते हैं आइए देखते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को जैसे हमने पहले बताया कि ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो है इसमें दो जे के फ्लिप फ्लॉप को आपस में कनेक्ट किया गया है पहले हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप सर्किट को देखते हैं सो नाइन गेट सेवन एट फाइव एंड सिक्स इस सर्किट को अगर आप देखें ये बेसिकली एक जे फ्लिप फ्लॉप सर्किट है जो क्लॉक इनपुट है वो इन्वर्टर से आ रहा है और जैसा कि हमने ये बताया कि ये एच ट्रिगर्ड नहीं है ये लेवल ट्रिगर्ड है दैट मीन्स क्लॉक अगर हाई होगा या लो होगा तब काम करेगा सो so, अगर आप स्लेव को देखें ये क्योंकि जो क्लॉक सिग्नल है उसका इन्वर्टेड वर्जन इसके नाइन एट सेवन और एट पे आ रहा है सो दैट मीन्स अगर क्लॉक ज़ीरो होगा तब ये काम करेगा और अगर क्लॉक वन होगा तो ये काम नहीं करेगा इसी तरह अगर मास्टर आप सर्किट को देखें उसमें नाइन गेट थ्री फोर वन एंड टू हैं बेसिकली ये भी एक जे के फ्लॉप है जो लेवल ट्रिगर्ड है एज ट्रिगर्ड नहीं है Uh, इसका जो क्लॉक इनपुट है वो डायरेक्टली नाइन गेट थ्री और फोर के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है एक और जो इसमें चेंज है वो है क्यू आउटपुट सिग्नल को अगर देखें वो वापस फीडबैक के थ्रू कनेक्ट हुआ हुआ है नाइन गेट फोर के साथ और इसी तरह जो क्यू बार आउटपुट सिग्नल है वो कनेक्ट हुआ है नाइन गेट थ्री के इनपुट पे अब अगर आप देखें क्लॉक सिग्नल अगर हाई हो तो नाइन गेट थ्री के इनपुट पे वन होगा और नाइन गेट फोर के इनपुट पे वन होगा अब डिपेंड करता है कि जे इनपुट पर क्या है के इनपुट पे क्या है क्यू पे क्या है क्यू बार पे क्या है ये डिटर्मिन करेंगे नाइन गेट थ्री का आउटपुट क्या है और नाइन गेट फोर का आउटपुट क्या है अगर क्लॉक ज़ीरो हो जाए तो नाइन गेट थ्री का आउटपुट और नाइन गेट फोर का आउटपुट दोनों वन हो जाएंगे अगर आपको याद हो एस आर लैच जब हम स्टडी कर रहे थे अगर लैच uh, के इनपुट्स पे दोनों वन हो तो उसके आउटपुट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा सो दैट मीन्स अगर क्लॉक ज़ीरो हो NAND गेट वन के आउटपुट पे और NAND गेट के uh, NAND गेट टू के आउटपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो अनचेंज रहेगी इसी तरह अगर स्लेव सर्किट को आप देखें अगर क्लॉक जो है लो uh, है सो so इन्वर्ट हो के वो हाई हो जाएगी नैन गेट सेवन पे इन क्लाक इनपुट जो है वो हाई होगा और नैन गेट एट के इनपुट पे क्लॉक हाई होगा सो so, अब डिपेंड कर रहा है कि दूसरा जो इनपुट है जो नैन गेट वन के आउटपुट से कनेक्टेड है और नैन गेट टू के आउटपुट से कनेक्टेड है उन पे वन है या जीरो है सो नैन गेट सेवन और नैन गेट एट का आउटपुट डिपेंड करेगा नाइन गेट वन और नाइन गेट टू के आउटपुट पर अगर ये दोनों आउटपुट्स वन हो जाते हैं दैट मीन्स नाइन गेट सेवन का आउटपुट और नाइन गेट एट का आउटपुट दोनों वन हो जाते हैं तो Q और Q बार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पुरानी स्टेट को मेंटेन रखेगा आइए देखते हैं ये मास्टर स्लेप फ्लिप्लप काम कैसे करता है आप एज्यूम करें कि क्यू आउटपुट जो है वो वन है क्यू बार आउटपुट जीरो है नाइन गेट वन का जो आउटपुट है वो भी वन है नाइन गेट टू का आउटपुट वो भी जीरो है J इनपुट वन है और K इनपुट ज़ीरो है जू ही क्लॉक पॉजिटिव हुआ सो so NAND गेट थ्री और NAND गेट फोर के आउटपुट पे क्या आएगा NAND गेट फोर का आउटपुट तो इमीजिएटली वन हो जाएगा क्योंकि K ज़ीरो है NAND गेट थ्री का आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा कि आपके Q बार पे क्या है Q बार क्योंकि ज़ीरो है सो so NAND गेट थ्री का आउटपुट भी वन हो जाएगा अब नाइन गेट वन के इनपुट पे और नाइन गेट टू के इनपुट पे दोनों वनस हैं सो दैट मीन्स नाइन गेट वन का आउटपुट और नाइन गेट टू का आउटपुट वो मेनटेन रहेगा वन और जीरो पे क्लॉक सिग्नल का जो ही नेगेटिव हाफ शुरू होगा सो so उसमें जो स्लेव सर्किट uh, है वो एक्टिवेट हो जाएगा नाइन गेट सेवन के इनपुट पे और नाइन गेट एट के इनपुट पे जो क्लॉक का सिग्नल आ रहा है वो वन हो जाएगा अब क्योंकि नाइन गेट वन का आउटपुट वन था और नाइन गेट टू का आउटपुट जो ज़ीरो था अब NAND गेट एट के आउटपुट पे वन हो जाएगा और NAND गेट सेवन के आउटपुट पे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इनपुट्स वनस हैं अब अगर आप ऐसा लैच को दोबारा से आप याद करें उसमें आ, NAND गेट फाइव का जो इनपुट है वो ज़ीरो है NAND गेट सिक्स का इनपुट जो है वो वन है सो so आउटपुट जो है NAND गेट फाइव का वो सेट हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए क्यू जो है वो वन हो जाएगा और क्यू बार जो है ज़ीरो हो जाएगा सो दैट मीन्स इनिशियली क्यू वन था क्यू बार ज़ीरो था जे हम आपने वन अप्लाई किया है के ज़ीरो अप्लाई किया है तो इसको सेट हो जाना चाहिए सो so, पहले से सेट था तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक सिग्नल क्यू सेट ही रहेगा अब दूसरा इसका ऑप्शन देख लें अगर क्यू ज़ीरो है और क्यू बार वन है और नाइन गेट वन का जो इनपुट है वो वन है और नाइन गेट टू का आउटपुट जो है वो ज़ीरो है अब जे वन आपने अप्लाई किया के ज़ीरो अप्लाई किया नाइन गेट फोर का आउटपुट जो है वो वन हो जाएगा क्योंकि के इनपुट जीरो है अब अगर नाइन गेट थ्री को देखें जे इनपुट जो है वो वन है क्यू बार आउटपुट जो है वो वन है और क्लॉक जो इनपुट है वो भी वन है सो नाइन गेट थ्री का आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा अब नाइन गेट थ्री का आउटपुट जीरो है नाइन गेट फोर का आउटपुट वन है सो नाइन गेट वन का आउटपुट क्या हो जाना चाहिए सेट हो जाना चाहिए वन पे चला जाना चाहिए और नाइन गेट टू का जो आउटपुट है वो जीरो पे चला जाना चाहिए अब नेगेटिव हाफ साइकिल में स्लेव सर्किट एक्टिवेट हो गया अब स्लेव सर्किट जब एक्टिवेट हुआ है नाइन गेट सेवन का जो आउटपुट है वो ज़ीरो पे चला जाएगा और नाइन गेट एट का आउटपुट जो है वो वन पे जा रहा है अब इससे क्यू और क्यू बार पे क्या फ़र्क पड़ेगा क्यू जो पहले ज़ीरो था अब वो सेट हो रहा है वन पे चला जाएगा और Q बार जो वन पे था वो अब चेंज हो ज़ीरो पे जा रहा है सो so अगेन uh, Q पे कुछ भी हो उटपुट सेट हो रहा हैज uh, नहीं हो रहा है इसलिए पल्स लिखा हुआ है लो पे ये काम करेगा जे इनपुट के इनपुट दिखाए गए अगर J जीरो है K जीरो है Q आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होगा इसी तरह जे जीरो है के वन है आउटपुट रीसेट हो जाएगा जीरो पे चला जाएगा J अगर वन है K जीरो है आउटपुट सेट हो जाएगा और J वन है और K वन है तो आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा अगर जीरो है तो वन हो जाएगा अगर वन है तो जीरो हो जाएगा जैसे कि टूथ तो टेबल में दिखाया गया इधर क्लॉक ट्रांजिशन पे काम नहीं हो रहा पल्स पे आ, काम हो रहा है और जे के का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही है जो एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का है आइए अब देखते हैं टाइमिंग डायग्राम मास्टर स्लेव जे के फ्लॉप का जैसा कि हमने पहले बताया इसमें दो जे के फ्लॉप काम कर रहे हैं आपस में कनेक्टेड हैं सो so जो मास्टर जे के फ्लॉप है वो पॉजिटिव हाफ में काम करता है और जो स्लेव फ्लॉप है वो नेगेटिव हाफ में काम करता है T1 वन से लेके T2 टू इंटरवल में क्लॉक सिग्नल जो है हाई है दैट मीन्स के मास्टर वाला जे के फ्लॉप है वो काम कर रहा है और स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है वो जो वो डिसेबल है अब जैसे हमने बताया था कि अगर आप क्लॉक इस्तेमाल नहीं करें जो ट्रांजिशन है उस उसको इस्तेमाल नहीं करें और लेवल को इस्तेमाल करें सो टी वन टी टू इंटरवल में जे के इनपुट्स पे जो भी चेंज आ रही है वो एंड में लैच हो जाएगी दैट मीन्स टी टू से जब क्लॉक हाई से लो जा रहा है तो स्लेव इनपुट पर वो इन्फॉर्मेशन आएगी सो टी टू इंटरवल के करीब अगर आप देखें के जो पहले ज़ीरो था वो वन हो गया सो टी टू पे जब हाई से लो सिग्नल जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन जो स्लेव इनपुट पे क्या आएगी वन वन आएगी वन जीरो नहीं आएगी अब इंटरवल टू टी टू से लेके टी थ्री को अगर देखा जाए स्लेव सर्किट इनेबल है सो so, जो इन्फॉर्मेशन लैच हुई है वो है वन वन सो दैट मीन्स आउटपुट पे जो प्रीवियस स्टेट थी वो टॉगल हो जानी चाहिए अब प्रीवियस स्टेट क्या थी लॉजिक जीरो नज़र आ रहा है क्यों आउटपुट पे सो टी थ्री के बाद वो लॉजिक हाई हो जाना चाहिए अब अगर आप इंटरवल टी थ्री से टी फोर को देखें उसमें पॉजिटिव हाफ में मास्टर जो जे के फ्लॉप है वो एक्टिव है और नेगेटिव क्लॉक हाफ में स्लेव uh, पोर्शन जो है वो एक्टिव है अगर पॉजिटिव हाफ में देखें जे uh, जो है वो वन पे चला गया है और के जो है ज़ीरो पे चला गया है अब जो ही ये पॉजिटिव हाफ से नेगेटिव हाफ की तरफ क्लॉक सिग्नल गया तो स्लेव के इनपुट पे इनपुट वन आ रहा है जे इनपुट पे वन आ रहा है और के इनपुट पे जीरो आ रहा है सो दैट मीन्स एट द एंड ऑफ इंटरवल टी फोर आउटपुट पे क्यू uh, जो आउटपुट है उसको वन रहना चाहिए सो so जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है टी फोर इंटरवल के बाद क्यू जो आउटपुट है वो वन ही रह रहा है इसी तरह अगर आप इंटरवल टी फाइव से टी सिक्स को देखें पॉजिटिव हाफ में जे ज़ीरो है और के वन हो गया है जो ही क्लॉक सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव हाफ में गया स्लेव इनपुट पे J0 और K1 आ रहा है सो दैट मीन्स T6 सिक्स इंटरवल में आउटपुट को जीरो होना चाहिए जो कि नज़र आ रहा है इसी तरह T6 और T7 इंटरवल में पॉजिटिव हाफ में J1 पे चला गया और के बी के uh, जीरो पे चला गया सो so, इसका मतलब है कि जो ही क्लॉक सिग्नल पॉजिटिव से नेगेटिव में गया स्लेव के इनपुट पे जे वन मिल रहा है और के ज़ीरो मिल रहा है इसकी वजह से क्यू आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाना चाहिए लॉजिक लो से लॉजिक हाई पर चला जाना चाहिए इसी तरह अगर आप T सेवन एट इंटरवेल्व को देखें टी से टी नाइन इंटरवेल्व को देखें टी और टी से देखें डिपेंडिंग ऑन दी जे के इनपुट्स और क्लॉक का पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में जो भी इंफॉर्मेशन है कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स चेंज हो रहे हैं अभी हमने मास्टर स्लीफ का सर्कट देखा उसका टाइमिंग डायग्राम देखा जैसा कि हमने पहले बताया था मास्टर स्लेव फ्लिपलॉप जो है वो अब अपसलीट हो गया उसमें एक तो ये है कि दो फ्लिपलॉप्स लगे हुए हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है सो हम बड़ी आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं एज ट्रिकेट फ्लिपलॉप से नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स शुरू में आपको याद हो जब हम कॉम्बिनेशन लॉजिक पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि गेट्स के ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उसमें पावर डिसिपेशन देखी थी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा था और बहुत सारी चीज़ें देखी थी इसी तरह फ्लिप फ्लॉप्स जैसे हमने बताया ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो इनके भी ऑपरेटिंग कररेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं अब ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स में कुछ चार पांच चीज़ें आती हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जब भी हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो इन करेक्टरिस्टिक्स को आ, सामने रखना होगा एक जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोपिगेशन डिले है प्रोपिगेशन डिले जैसे हमने शुरू में भी बात की थी बेसिकली जब भी आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं जो आउटपुट पे जो चेंज आ रहा है वो एक डिले के बाद आएगा फ़ौरन इमिजिएटली आउटपुट पे वो चेंज आपको नज़र नहीं आएगा कुछ डिले होगा अब आप अगर आप फिफ को जेन में रखें अब कितने किस्म के हम इनपुट सप्लाई कर सकते हैं बेसिकली एक तो क्लॉक इनपुट है जो सिंकोनस इनपुट है क्लॉक पे जो ही ट्रांजेक्शन होगा जे के पे जो भी वैल्यू होगी उसकी वजह से क्यू आउटपुट पे चेंज आ रहा है सो so, हम जो प्रोपर्गेशन डिले है वो मैयर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक पॉजिटिव एच ट्रगेट हो सकता है नेगेटिव एच ट्रगेट हो सकता है उसकी वजह से जो क्यू आउटपुट पे चेंज आ रहा है उसको हम प्रोपगेशन डिले कहेंगे अगर आउटपुट लो टू हाई हो रहा है तो उसका एक प्रॉपिगेशन डिले का एक नंबर होगा जो बता रहा होगा लो टू हाई प्रॉपिगेशन डिले और अगर हाई से लो चेंज हो रहा है आउटपुट पे तो वो अगेन एक प्रोपिगेशन डिले टी पी हाई टू लो एच एल से डिनोट करेंगे दूसरा जो चेंज हो रहा है वो है ए सीकोनस प्री इनपुट से और ए सिकॉनस क्लियर इनपुट से सो so, अगर आप प्री सेट को ज़ीरो करते हैं तो क्या होगा जो आपका क्यू आउटपुट है वो सेट हो जाएगा वन पे चला जाएगा सो so, ये भी एक प्रोपगेशन डिले होगा आप जो ही प्री सेट इनपुट को एक्टिवेट करेंगे इमीजिएटली आउटपुट पे चेंज नहीं आएगा कुछ प्रोपिगेशन डिले के बाद चेंज आएगा सो so, एक ये पैरामीटर है जो डाटा शीट्स में लिखा होता है बताया जाता है इसी तरह अगर ए सी कॉर्नर्स क्लियर इनपुट को देखें जो ही आप क्लियर इनपुट को एक्टिवेट करेंगे आउटपुट जो है एकदम से ज़ीरो पे नहीं जाएगा कुछ प्रोपिगेशन डिले के बाद कुछ डिले के बाद वो होगा सो so अगेन ये भी एक पैरामीटर डेटा शीट्स में लिखा होता है उसमें सो आइए देखते हैं कि ये जो प्रोपिगेशन डिलेज़ हैं और टाइमिंग डाइग्राम्स हैं ये कैसे डिफाइन हुए हुए हैं पहला जो प्रोपिगेशन डिले है वो है विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक एंड द क्यू आउटपुट जब लो टू हाई ट्रांजिशन हो रही है अब क्लॉक का जो है पॉजिटिव एज हो सकता है या नेगेटिव एज हो सकता है क्यू आउटपुट का लो टू हाई ट्रांजिशन को देखा जाता है सो टी पी एल एच ये बता रहा है लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट जब क्लॉक पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड हो या लो नेगेटिव एच ट्रिगर्ड हो और ये जैसा कि हमने पहले देखा था 50 परसेंट मार्क्स से मैयर किया जाता है दूसरा जो टाइमिंग डायग्राम है वो है प्रोपगेशन डिले विद रिस्पेक्ट टू द्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक और हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ द क्यू आउटपुट जैसा कि नज़र आ रहा है क्लॉक जो है लो से हाई जा रहा है ये हाई से लो भी जा सकता था जिसकी वजह से क्यू पे चेंज आ रहा है अब क्यू जो है वो हाई से लो जा रहा है इसलिए ये जो पैरामीटर है इसको हम लिखते हैं टी पी एच एल एच एल मीन्स हाई टू लो ट्रांजेसन हो रही है और ये जो डिले है ये मैयर कर रहे हैं हम फिफ्टी परसेंट मार्क्स है क्लॉक के फिफ्टी परसेंट मार्क्स है और क्यू जो है हाई से लो हो रहा है उसके फिफ्टी परसेंट मार्क्स है तीसरा जो प्रोपोगेशन डिले है वो है विद रिस्पेक्ट टू दी ए सिंकोनस प्री सेट इनपुट प्री सेट इनपुट जैसे हमने बताया था एक्टिव लो हैं सो जो ही ये हाई से लो जाएगा क्यू आउटपुट जो है वो लो से हाई पे सेट हो जाएगा क्यू आउटपुट सेट हो रहा है सो so, ये जो प्रोपोगेशन डिले है इसको हम मैयर करते हैं टी पी एल एच लो से हाई जा रहा है अगेन फिफ्टी परसेंट मार्क्स से मैयर करते हैं इसी तरह जो चौथा प्रोपोगेशन डिले है जब क्लियर ए सिकोनस इनपुट को आप एक्टिवेट कर रहे हैं हाई से लो जा रहा है सो so, इसकी वजह से क्यू आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा इमीजिएटली ऑफ कोर्स नहीं होगा कुछ डिले के बाद होगा वो जो डिले है वो रिप्रेजेंट हो रहा है टी पी एच एल से एच एल मीन्स हाई से लो हो रहा है और अगेन ये भी 50 परसेंट मार्क्स से मैयर किया जाता है दो और जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है सेटअप टाइम और होल्ड टाइम सेटअप टाइम ये कहता है कि आप जब क्लॉक अप्लाई करते हैं एक एस्ट्रिकेट फ्लिप फ्लॉप के उस वक्त आपके जो इनपुट्स हैं जे इनपुट और के इनपुट वो स्टेबल होने चाहिए देखें अगर आपका क्लॉक सिग्नल आया और उसी वक्त जे इनपुट और के इनपुट भी चेंज हो रहे हैं तो आउटपुट पे क्या आएगा यू आर नॉट श्योर क्योंकि जे इनपुट और के इनपुट स्टेबल नहीं है वो उस वक्त चेंज हो रहे हैं सो so, ज़रूरी है कि जब भी क्लॉक इनपुट पे चेंज हो ट्रांजिशन हो हाई से लो हो या लो से हाई हो जे के इनपुट जो हैं वो स्टेबल हों पहले से उधर इंफॉर्मेशन स्टेबल हो या सेट हो अब ये कितना टाइम पहले सेट हो उसको हम कहते हैं सेटअप टाइम सो एक मिनिमम टाइम है जो बता रहा है कि इतने नैनो सेकेंड्स पहले जे इनपुट और के इनपुट वो सेट होने चाहिए स्टेबल होने चाहिए क्लॉक आने से पहले क्लॉक की जो ट्रांजेक्शन हो रही है अब ये जरूरी नहीं है कि जे फ्लिप फ्लॉप का सेटअप टाइम हो हर फ्लिप फ्लॉप का सेटअप टाइम होगा इसी तरह जो होल्ड टाइम है वो ये कहता है कि क्लॉक ट्रांजिशन के बाद भी जो इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने मेंटेन रखना है कुछ देर के लिए ताकि वो जो इंटरनल सर्किट हुई उसको वो यूज़ कर सके अब आपके अगर क्लॉक ट्रांजिशन हुई आप जो इनपुट पे है वो इंफॉर्मेशन इमीजटली चेंज कर सकते हैं सो so देट uh, कर देते हैं सो so इसका मतलब है आउटपुट जो है आपका गारंटीड नहीं है सो होल्ड टाइम मीन्स एक मिनिमम टाइम जिसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन स्टेबल रखनी होगी क्लॉक ट्रांजिशन के बाद सो so, आइए देखते हैं इन दोनों का टाइमिंग डायग्राम सेटअप टाइम और होल्ड टाइम टाइमिंग डायग्राम में एक डी फ्लिप फ्लॉप का सेटअप टाइम दिखाया गया है डी इनपुट जो है ज़ीरो से हाई हो रहा है और क्लॉक इनपुट जो है वो कुछ देर बाद ज़ीरो से हाई हो रहा है दैट मीन्स ट्रांजेक्शन पॉजिटिव ट्रांजेक्शन हो रही है अब सेटअप टाइम का मतलब यह है कि जो डी इनपुट है वो क्लॉक ट्रांजेक्शन से आ, के होने से पहले कुछ देर पहले स्टेबल हो जाए सो so, वो कितने देर पहले स्टेबल होगा वो मैयर करते हैं हम टी एस से इससे अगर कम होगा तो इसका मतलब है क्यू आउटपुट पे इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते इससे अगर ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स आपका आउटपुट जो है वो ठीक होगा गारंटीड होगा दूसरा जो टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया इसमें होल्ड टाइम दिखाया गया डी फ्लिप फ्लॉप का इस डायग्राम में क्लॉक ट्रांजिशन लो टू हाई ट्रांजिशन पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रही है और उसके थोड़ी देर बाद डी इनपुट जो है वो चेंज हो रहा है हाई से लो जा रहा है अब ये कितनी देर के बाद चेंज हो सकता है वो लिखा हुआ है टी एच से टी होल्ड टाइम से सो so, ये मिनिमम टाइम है जिस टाइम के लिए आपको डी इनपुट स्टेबल रखना पड़ेगा आफ्टर दी क्लॉक ट्रांजेक्शन अगर इससे पहले चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है क्यू आउटपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो गारंटीड इन्फॉर्मेशन नहीं है वो वन भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है अगर टी होल्ड टाइम जो है उससे ज़्यादा देर तक अगर आप इनपुट रखेंगे तो इसका मतलब है वो स्टेबल आउटपुट होगा सो so, बहरहाल एक मिनिमम होल्ड टाइम हर फ्लॉप के लिए बताया जाता है एक और जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या करेक्टरिस्टिक्स है वो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। हर फ्लिप फ्लॉप को एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कराया जा सकता है उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेगा बेसिकली क्यों नहीं करेगा वो प्रोपगेशन डिले की वजह से जो ही क्लॉक पे ट्रांजेक्शन होगा आउटपुट पे चेंज आएगा वो कुछ डिले के बाद आएगा जो है प्रोपोगेशन डिले जो है उस फ्लिप फ्लॉप का वो डिटरमिन करेगा अगर आप फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा दें कि वो जो प्रोपगेशन डिले है उससे कम हो जाए तो इसका मतलब है फ्लिप फ्लॉप प्रॉपरली काम नहीं करेगा अभी उसका आउटपुट चेंज ही नहीं हुआ और इनपुट पहले से चेंज हो रहा है so, सो एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी वो हर फ्लिप फ्लॉप के लिए बताई जाएगी और उसी पर वो जो सिक्वेंस सर्किट है वो ऑपरेट करेगा एक और जो ऑपरेटिंग इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग करेक्ट्रिस्टिक है वो है पल्स विथ पल्स विथ बेसिकली बता रहा है कि जो क्लॉक सिग्नल है उसकी पल्स कितनी है क्लॉक जो जैसे आपने देखा है हाई से लो हो रहा है हाई से लो हो रहा है अब वो हाई टाइम कितना है और लो टाइम कितना है दूसरा जो पल्स हम अप्लाई करते हैं वो ए सिकॉनस प्री सेट इनपुट पर अप्लाई करते हैं ठीक है ना जब आपने फ्लिप uh, फ्लॉप को सेट करना है सो प्री सेट पर आप एक ज़ीरो अप्लाई करेंगे और फिर वापस वन पे कर देंगे इसी तरह जब आपने फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना है एसंक ऑनस्टली तो जो क्लियर इनपुट है उस पर भी एक पल्स अप्लाई करेंगे नॉर्मली वो वन पे होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जीरो करेंगे और फिर वन पे ले आएंगे सो so, अगर आप एक फ्लिप uh, फ्लॉप को देखें क्लॉक इनपुट पे एक पल्स अप्लाई होती है प्रीसेट इनपुट पे एक पल्स अप्लाई होती है और क्लियर इनपुट पे एक पल्स अप्लाई होती है सो डेटा शीट्स में फ्लिप फ्लॉप में इन तीनों पल्स की विथ दी होती है कि क्लॉक का जो हाई टाइम है वो कितना है और लो टाइम वो कितना है इसी तरह जो प्री सेट जो सिग्नल है उसका पल्स विथ कितना है क्लियर जो इनपुट सिग्नल है उसकी पल्स विथ कितनी है अगर पल्स विथ जो है इससे कम होगी अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है उसका आउटपुट जो है वो गारंटीड नहीं है लेट्स से क्लियर इनपुट जो है अब अगर अगर आपने क्लियर करना है तो वो जो इनपुट जीरो है वो फाइव नैनो सेकेंड के लिए रखना है अगर आप वन नैनो सेकेंड के लिए रखते हैं तो क्यू आउटपुट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो पर सेट हो जाए गारंटीड नहीं है इसलिए आपको पल्स विथ रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करनी होंगी आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो है पावर डिसिपेशन जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक में देखा था डिफरेंट गेट्स जो हैं वो कुछ करंट कंज्यूम करते हैं कुछ पावर डिसिपेट करते हैं इसी तरह फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो भी बेसिकली गेट्स से मिल बने हुए हैं ये भी पावर डिसिपेट करेंगे अब अगर आप एक बड़ा सारा सर्किट बनाना चाह रहे हैं सिक्वेंशल सर्किट का उसमें बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स होंगे अब आप के लिए ज़रूरी है कि आपने टोटल पावर रिक्वायरमेंट वो डिटरमिन करनी है क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट जब आप डिटर्मिन करेंगे तो उतने साइज़ की आप पावर सप्लाई कनेक्ट करनी होगी सो so, हर फ्लिप फ्लॉप की एक पावर रिक्वायरमेंट या पावर डिसिपेशन बताई जाती है सो so, अगर आपके सर्कट में दस फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो हर की पावर रिक्वायरमेंट इन टू करके आपके पास टोटल पावर रिक्वायरमेंट आ जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको उतनी पावर सप्लाई कनेक्ट करनी पड़ेगी अभी हमने ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स देखे एक फ्लिप फ्लॉप के सो so, जैसे कि हमने बताया कि जब भी आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे किसी सर्किट में तो उसके साथ एक डाटा शीट होगी डाटा शीट में ये सारे जितने भी ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं ये उधर लिखे होंगे तो उनको आप देख के आप अपना सर्किट डिजाइन करेंगे अभी तक हम बात कर रहे थे फ्लॉप्स पे और लैचेस पे और ये शुरू में अगर आपको याद हो हमने ये कहा था कि ये बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स भी इनको कहा जाता है बाई स्टेबल बेसिकली दो स्टेबल स्टेट्स हैं या वन या ज़ीरो सो so, किसी एक स्टेट में अगर इसको हम कन्फिगर कर दें तो वो स्टेट जो है रिटेन रहेगा अगर क्यू आउटपुट जीरो है वो क्यू आउटपुट ज़ीरो ही रहेगा जब तक आप इनपुट दोबारा से चेंज ना करें अगर क्यू आउटपुट वन है तो वो वन स्टेट में ही रहेगा जब तक आप क्यू जो इनपुट है उसको चेंज ना करें सो दैट्स फाइ इसको हम कहते हैं कि बाई स्टेबल एक और किस्म का सर्किट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं मोनोस्टेबल मोनोस्टेबल मीन्स वन uh, स्टेट बेसिकली इसमें एक ही स्टेबल स्टेट है दैट मीन्स लेट्स से ज़ीरो सो वो हमेशा ज़ीरो पे रहेगा जब भी हम इसको ट्रिगर करते हैं थ्रू ए क्लॉक पल्स तो ये क्या होगा एक अपनी uh, दूसरी स्टेट में चला जाएगा जो कि स्टेबल नहीं है सो so, ज़ीरो स्टेबल है ट्रिगर किया वन स्टेट पे चला गया और थोड़ी देर बाद वापस स्टेबल स्टेट में आ जाएगा अब ये कितनी देर तक अनस्टेबल स्टेट में रहता है वो डिटरमिन होता है एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर से सो so, ये जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स हैं उनके साथ हम एक एक्सटर्नली एक रेजिस्टर एक लगाते हैं और एक कैपेसिटर लगाते हैं इन दोनों की वैल्यूज से वो जो पल्स है अनस्टेबल स्टेट है स्टेट वन वो कितनी देर तक रहेगी वो आर एंड सी की वैल्यू डिटर्मिन करेगी अब मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स यूज़ कहाँ करते हैं अब डिजिटल सर्किट्स में आपको काफ़ी दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एक आ, स्विच को ऑन करें जिसकी वजह से एक पल्स कुछ ड्यूरेशन के लिए जनरेट हो उसके बाद वो ख़त्म हो जाए नॉर्मली सर्किट्स को आपने रीसेट करना है तो उधर ये इस्तेमाल हो रहा है चो आइए देखते हैं कि ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है इसका सर्किट कैसा है और ये काम कैसे करता है और ये कैसे एक स्टेट में रहता है और टेम्प्रेरली दूसरी एक अनस्टेबल स्टेट में जाएगा और वापस अपनी स्टेबल स्टेट में आ जाता है आइए देखते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट डायग्राम इसको वन शॉट भी कहते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इसमें एक नॉर गेट है एक इसका इनपुट है और एक इन्वर्टर है जिसका आउटपुट इस नॉर गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है बीच में एक जो नॉर्थ गेट है और इन्वर्टर है उसके दरमियान एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है रेजिस्टर का एक एंड जो है प्लस फाइव वोल्ट के साथ कनेक्टेड है अब नॉर्मल स्टेट में जो नॉर्थ गेट का अनकनेक्टेड इनपुट है वो ज़ीरो है जो आउटपुट है नॉर्थ गेट का वो भी ज़ीरो है सो नॉर्थ गेट का जो आउटपुट है वो वन हो जाएगा नॉर्थ गेट का आउटपुट जब वन होगा तो इन्वर्टर जो है या नॉट गेट जो है वो आउटपुट को ज़ीरो रख देगा सो स्टेबल स्टेट जो है वो ज़ीरो ही रहेगी अब आप अगर एक ट्रिगर पल्स अप्लाई करें नॉर्थ गेट के इनपुट पे जो लो से हाई हो रही है अब नॉर्थ गेट का इनपुट जो है वो हाई है दूसरा इनपुट जो है जो नॉर्थ गेट से कनेक्टेड है वो ज़ीरो है सो so, नॉर्थ गेट का आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा अब नॉर्थ गेट का आउटपुट जब ज़ीरो होगा हो तो कैपेसिटर का एक एंड जो है वो ग्राउंड हो जाएगा और वो अब चार्ज होना शुरू हो जाएगा नॉट गेट के इनपुट पे लॉजिक ज़ीरो मिलेगा नॉट गेट के आउटपुट जो है वो वन पे चला जाएगा अब क्योंकि नॉट गेट का आउटपुट जो है नॉर्थ गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है अब ट्रिगर पल्स जो है वो तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अप्लाई की थी अब उसकी वजह से दूसरा जो इनपुट है नॉर्थ गेट का वो वन हो गया जो कि कनेक्टेड है नॉट गेट के आउटपुट से अब नॉर गेट का आउटपुट जो है वो जीरो मेंटेन रहेगा अब ये कितनी देर तक ज़ीरो मेंटेन रहेगा ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होता है सो so, जो कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम है वो डिपेंड करता है रेजिस्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू इसको हम कहते हैं आर टाइम कॉन्स्टेंट सो ये थोड़ी देर में कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाएगा फाइव वोल्ट पे जो ही ये फाइव वोल्ट पे चार्ज होगा जो नॉट गेट है उसके इनपुट पे लॉजिक हाई आ जाएगा नॉट गेट के आउटपुट पे लॉजिक जीरो हो जाएगा दैट मींस ये कुछ देर के लिए इसका आउटपुट अनस्टेबल स्टेट में लॉजिक वन में रहा है और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया इसके आउटपुट जो है वापस स्टेबल स्टेट या ज़ीरो पे चली गई है जूँ ही नॉट गेट का आउटपुट जीरो पे जाएगा नॉर गेट के दोनों इनपुट जो हैं वो लॉजिक जीरो पे चले जाएंगे नॉर गेट का आउटपुट भी वन हो जाएगा आइए इसका ज़रा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं इंटरवल टी वन पर हमने एक ट्रिगर पल्स अप्लाई की जो कि जैसा कि दिखाया गया है बड़े एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई है उसके बाद फ़ौर ही लो हो गई है जो ही ये हाई हुई आउटपुट ऑफ नॉर गेट जो है वो लो हो जाएगा क्योंकि नॉर गेट का एक इनपुट जो है वो वन पे है अब आउटपुट ऑफ नॉर गेट जो है वो ज़ीरो पे रहेगा कुछ देर के लिए टी वन से टी टू तक बेसिकली वो लो पे है अब जैसा कि हमने ऊपर सर्किट में देखा है जो ही आउटपुट ऑफ नॉर गेट लो हो जाता है कैपेसिटर जो है चार्ज होना शुरू हो जाता है इनपुट ऑफ नॉर गेट का जो टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया उसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो लॉजिक जीरो से वो आता आहस्ता एक्सपोनेंशियली वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या हाई वोल्टेज की तरफ जा रहा है जू ही वो प्लस फाइव तक चार्ज हो जाएगा तो आउटपुट ऑफ नॉट गेट जो है वो वन से जीरो हो गया सो so, टाइम जो टाइम पीरियड है टी वन से टी टू ये डिटरमिन कर रहा है कि अनस्टेबल जो स्टेट है लॉजिक वन उसका टाइम कितना है या उसकी ड्यूरेशन कितनी है अब ये जैसे हमने पहले बताया डिपेंड कर रहा है रेजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पे। अगर आप रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दें कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा दें तो ये टाइम पीरियड जो है T1, T2 ये बढ़ जाएगा क्योंकि चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाएगी इसी तरह अगर आर की वैल्यू या सी की वैल्यू आप घटा दें तो ये जो टाइम इंटरवल है टी वन और टी टू का जो बता रहा है कि अनस्टेबल स्टेट है ये घट जाएगा अभी हमने देखा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर मानोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है उसकी एक स्टेबल स्टेट है और दूसरी जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं है सो so, वो हमेशा एक स्टेबल स्टेट में रहता है थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल स्टेट में जाएगा और वापस स्टेबल स्टेट में आ जाएगा ये स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में कब जाता है जब हम एक ट्रिगरिंग इनपुट पल्स अप्लाई करते हैं कितनी देर के लिए ये अनस्टेबल स्टेट में रहता है वो डिपेंड करता है कि हमने एक्सटर्नली रजिस्टर और कैपेसिटर कौन सा लगाया उनकी वैल्यू क्या है जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है उसकी दो किस्में हैं एक जो है उसको हम कहते हैं रीट्रेगरेबल उसको मतलब आप पल्स आप अप्लाई करें तो जब भी पल्स अप्लाई करेंगे वो दोबारा से वो नॉन स्टेबल स्टेट में चला जाएगा दूसरा जो वर्जन है नॉन रीट्रेगेबल नॉन रिट्रिगरेबल में अगर आपने ट्रिगर किया है वो नॉन स्टेबल स्टेट में चला गया दोबारा से अभी वापस स्टेबल स्टेट में नहीं आया दोबारा से आपने ट्रिगर अप्लाई किया तो वापस वो नॉन स्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा उसको कंसिडर ही नहीं करेगा वापस नॉर्मल स्टेट में आएगा और उसके बाद अगर आप दोबारा से ट्रिगर अप्लाई करते हैं तो फिर वो दोबारा से नॉन स्टेबल स्टेट में चला जाएगा सो so, आइए ये देखते हैं कि दोनों जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स हैं रिट्रेगेबल और नॉन रिट्रेगेबल ये काम कैसे करते हैं इनके टाइमिंग डायग्राम्स देखते हैं आइए देखते हैं टाइमिंग डायग्राम एक नॉन रिट्रेगेबल वन शॉट का जैसे कि नज़र आ रहा है ट्रिगर हमने T1 इंटरवल पे अप्लाई किया फिर T3 पे अप्लाई किया और फिर T5 पे अप्लाई किया जो ट्रिगर की पल्स है वो कुछ भी हो सकती है वो जरूरी नहीं है कि एक फिक्स्ड उसका टाइम इंटरवल हो जो ही आपने टी वन पे ट्रिगर पल्स अप्लाई की वन शॉट जो है वो अनस्टेबल स्टेट में चला गया जो कि टी वन से टी टू तक अनस्टेबल स्टेट में रह रहा है इसके बाद जब आपने ट्रिगर पल्स T3 पर अप्लाई की दोबारा ये वन शॉट जो है अनस्टेबल स्टेट में चला गया T3 से T4 तक और जब आखिर में आपने T5 पे ट्रिगर पल्स अप्लाई की वन शॉट जो है दोबारा से अनस्टेबल स्टेट में चला गया T5 T6 इंटरवल तक अब ये तीनों जो अनस्टेबल इंटरवल्स हैं इनका टाइम जो है वो फिक्स्ड होगा जैसे हमने हम जैसा हमने पहले बताया ये डिपेंड करेगा आर पे आर की वैल्यू पर दूसरे अगर टाइमिंग डायग्राम में अगर आप देखें उधर हम पहली पल सप्लाई की T1 पे T1 की वजह से जो वन शॉट है वो अनस्टेबल स्टेट में चला गया अब T1 से T3 इंटरवल तक रहेगा अब इस दौरान तो दोबारा से एक ट्रिगर पल सप्लाई की T2 पे अब T2 की वजह से इसकी अनस्टेबल स्टेट में फ़र्क नहीं आएगा ये T3 पे ख़त्म हो जाएगी और वापस स्टेबल स्टेट में आ जाएगा इसी तरह अगर आप इंटरवल T4 से लेके T7 तक देखें एक हमने ट्रिगर पल सप्लाई की T4 से टी तक जिसकी वजह से ये अनस्टेबल स्टेट में चला गया अभी वापस स्टेबल स्टेट में नहीं आया हमने एक और ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई किए टी सिक्स से टी सेवन सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी आउटपुट पे और इसी तरह आप इंटरवल टी एट से टी टेन देख लें ट्रिगरिंग पल्स टी एट पर अप्लाई की अनस्टेबल स्टेट में चला गया टी टेन पर वापस स्टेबल स्टेट पे आ रहा है टी नाइन पर हमने एक और ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की जिससे इसके आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा आइए देखते हैं एक री ट्रिगरेबल वन शॉट के टाइमिंग डायग्राम को इसमें जब भी आप ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे जो अनस्टेबल स्टेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है T1 पे आपने एक ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की जिसकी वजह से अनस्टेबल स्टेट में चला गया T2 टू पर दोबारा से एक आपने ट्रिगर पल्स अप्लाई की सो जो टाइमिंग है अनस्टेबल स्टेट की वो एक्सटेंड होगी T2 टू से टी थ्री तक चला गया इसी तरह अगर आप टी फोर से टी फाइव पर देखें टी फोर से टी फाइव पर एक ट्रिगर पल्स अप्लाई की जिसकी वजह से वन शॉट अनस्टेबल स्टेट में चला गया टी सिक्स पर दोबारा से एक ट्रिगर पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो टाइमिंग है इसकी अनस्टेबल स्टेट की वो एक्सटेंड होगी गई टी सिक्स से टी सेवन तक इसी तरह टी एट से टी टेन में भी एक्सटेंड हो रही अनस्टेबल स्टेट दूसरे ट्रिगर के अप्लाई होने की वजह से टी पे जो अप्लाई हो रहा है अभी हमने मोनोस्टेबल स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर देखा जो कि डिफरेंट है ऑफकोर्स बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी हम मज़ीद देखेंगे टाइमिंग से फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन पर फ़र्क क्या पड़ता है उसमें अपना ख्याल रखिएगा इनशाला दोबारा मिलेंगे खुदा हाफ असल